गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, बीपीएस पब्लिक स्कूल कोटवा प्रयागराज। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को साइंस में पढ़ाने जा रहे हैं भोजन के बारे में, कि हमारा भोजन हमें किस प्रकार हमारे शरीर की सहायता करता है, मदद करता है। जैसे प्यारे बच्चों, जैसे कि हमें जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमको जीवित रहने के लिए भोजन की भी आवश्यकता होती है। बिना भोजन के हम जीवित रहना, बिना भोजन के हमको जीवित रहना बहुत ही कठिन है। हमारा जीवन बिना भोजन के नहीं जीवित रह सकते। हम स्वस्थ और ठीक रहने के लिए अनेक प्रकार के भोजन करते हैं। हम स्वस्थ और मजबूत रहने के लिए अनेक प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन से हमें कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। भोजन से हमको कार्य, कोई भी कार्य करने जा रहे हैं हम, यदि भोजन नहीं करेंगे, जैसे दिन भर हम कार्य करते रहें, मेहनत करते रहें, हम भोजन न करें तो हमारी शरीर क्या हो जाएगी, ऊर्जा डाउन हो जाएगी, एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते, थक जाएंगे। दिन भर कार्य करते रहेंगे और भोजन नहीं करेंगे तो हम थक जाएंगे, कार्य नहीं कर पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। उसी प्रकार बेटा, प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में भोजन की बहुत ही आवश्यकता होती है। भोजन से हमें कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। हमारा भोजन अनेक पौष्टिक तत्वों से होते हैं। हमारा भोजन अनेक पौष्टिक तत्व होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन भिन्न भिन्न प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। जैसे भोजन तीन प्रकार के होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की सहायता करते हैं। भोजन हमारे तीन प्रकार के होते हैं। भोजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हमारा है शरीर का निर्माण करने वाला भोजन। हमारा पहला भोजन क्या है? शरीर का निर्माण करने वाला भोजन, यह हमारा शरीर का निर्माण करने वाला भोजन है। जैसे कुछ भोज्य पदार्थ में प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के निर्माण करते हैं, वो भोज्य पदार्थ में प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाला भोजन है। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करने वाला भोजन है। हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है। प्रोटीन हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है। टूटी फूटी हड्डी है तो उसको जोड़ने में सहायता प्राप्त करता है, मजबूती देता है। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में मजबूती आती है। प्रोटीन हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? प्रोटीन हमको दूध, पनीर, अखरोट, मछली आदि और भी हैं, आदि से मिलते हैं, प्रोटीन हमको दूध, दही, पनीर, अखरोट, मक्का आदि से मिलते हैं, और भी हैं जिससे हमको प्रोटीन प्राप्त होता है। अब दूसरा है प्यारे बच्चों, शरीर को ऊर्जा देने वाला भोजन। दूसरा हमारा क्या है? ऊर्जा देने वाला भोजन।
ऊर्जा देने वाला भोजन। अब हमको ऊर्जा कौन कौन से भोजन से प्राप्त होता है? जैसे हम प्रतिदिन बहुत से कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, स्टार्च चिकनाई तथा शक्कर में हमें ऊर्जा मिलता है। स्टार्च चिकनाई तथा शक्कर हमें ऊर्जा देते हैं। रोटी आलू चावल में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। किसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है? रोटी चावल और आलू में अधिक मात्रा होती है। और चिकनाई मक्खन तेल घी आदि में, मक्खन तेल घी में चिकनाई की मात्रा अधिक होती है। तथा हमको मीठे फलों से, मीठे फलों पके हुए फल जो होते हैं मीठे होते हैं उनसे और गन्नों से हमको शक्कर मिलता है। मिठास शक्कर मतलब मीठा। हमको पके फल और गन्ने से हमको शक्कर प्राप्त होता है। तो ये हुए शरीर को ऊर्जा देने वाले पदार्थ। शरीर को ऊर्जा देने वाले पदार्थ कौन से हैं? जैसे केला सेब अंगूर और आपका हो गया रोटी दूध, ये सब आपको शरीर को ऊर्जा देते हैं, एनर्जी आपको मिलती है। ये सब भोजन आप ग्रहण करेंगे आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। अब तीसरा है हमारा रक्षा करने वाले भोज्य पदार्थ। ये हुआ हमारा तीसरा। हमारे हमको भोजन करने की आवश्यकता होती है। ये हमारा तीसरा है रोगों से रक्षा करने वाला भोज पदार्थ कि हमारे शरीर में रोगों से, रोगों को कौन भगाता है, कौन सा पदार्थ रोगों से रक्षा कौन सा पदार्थ करता है? जैसे विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। जैसे शरीर को रोगों से रक्षा करने वाले पदार्थ जैसे ताजे फल हरी सब्जी ये सब हमको रोगों से रक्षा करने वाले पदार्थ है। और दूध भी है। दूध हमको ऊर्जा भी देता है और रोगों से रक्षा भी करता है और विटामिन भी मिलता है। तो ये हमारा हुआ रोगों से रक्षा करने वाले भोज्य पदार्थ। अब रही बात दूध की। दूध हमारा संपूर्ण आहार है। दूध हमारा प्यारे बच्चों दूध हमारा संपूर्ण आहार है। दूध हमको हर एक प्रकार से हम यूज करते हैं, चाहे हम ऊर्जा के रूप में ग्रहण करें, चाहे विटामिन के रूप में ग्रहण करें, चाहे हम रोगों से रक्षा के लिए हम ग्रहण करें। दूध हमारा संपूर्ण आहार है क्योंकि दूध हमारे शरीर की वृद्धि में सहायता प्राप्त करता है। दूध हमारे शरीर की वृद्धि में सहायता प्राप्त करता है और हमको शक्ति प्रदान करता है। शक्ति भी हमको दूध से ही मिलती है तथा रोगों से रक्षा करता है। इसलिए दूध हमारा संपूर्ण आहार है। दूध हमारा संपूर्ण आहार है। अब हमारा हमको भोजन किस तरीके से करना चाहिए, अब हम भोजन को किस तरीके से ग्रहण करें ताकि हमारे शरीर में भोजन अच्छी तरीके से
पचे, पाचन क्रिया हमारा मजबूत रहे। हमको भोजन करने का नियम, भोजन करने का नियम, हम किस तरीके से हमको भोजन करना है, जैसे भोजन निश्चित समय पर करना चाहिए, भोजन हमको निश्चित समय पर करना चाहिए, सदैव संतुलित भोजन ले, हमको सदैव संतुलित भोजन ले, पर्याप्त मात्रा में ले, पर्याप्त मात्रा में ले, न कि ज़्यादा ले न कि कम ले, जितना हम खा सके उतना ही भोजन हमको लेना है। भोजन को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, न भोजन को कम खाएंगे न ज़्यादा खाएंगे, इसलिए संतुलित भोजन हमको करना है। भोजन करने से पहले तथा बाद में हम अपने हाथों तथा मुंह को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। भोजन जब हम करने जा रहे हैं, भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद में हमको अपने हाथों को, मुंह को, दांत को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, भोजन करते समय हमको बोलना नहीं चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए किसी से, और जितना हम चबा सके चबा चबा करके हमको भोजन करना चाहिए। केवल उतना भोजन लेना चाहिए हमको जितना कि आप खा सकते हैं, ये नहीं कि ज़्यादा हम मात्रा, ज़्यादा मात्रा हम भोजन ले लें, खा ना सकें, वेस्ट कर दे, खराब कर दे, ऐसा नहीं। भोजन हमको उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें। अब सदैव शुद्ध और ताज़ा भोजन करना चाहिए हमको, सदैव ताज़ा और शुद्ध भोजन करना चाहिए, ये नहीं कि हम सुबह का खाना शाम को खाएं, शाम का खाना सुबह खाएं, ऐसा नहीं, ताज़ा ताज़ा भोजन हमको करना चाहिए। ठीक, तो अब हम चलते हैं, आपको कुछ होमवर्क देते हैं, तो आप होमवर्क करके समेंट बॉक्स में कमेंट करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क करके रिप्लाई करिए। जैसे पहला क्वेश्चन है भोजन कितने प्रकार का होता है, दूसरा क्वेश्चन है